छात्र एवं छात्राओं, यह कक्षा बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र विषय की है। इस कक्षा के द्वारा हम पेपर सेकेंड एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पेपर में शिक्षा और दर्शन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है पिछली कुछ कक्षाओं से। आज हम लोग इस सीरीज़ में कक्षा छठी कक्षा इसकी पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 है आज का। ये आज की कक्षा का जो हमारा टॉपिक रखा हुआ है वो टॉपिक है दर्शन और शिक्षा में संबंध। आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है दर्शन और शिक्षा में संबंध। इससे पहले की कक्षा में हमने दर्शन और शिक्षा की विषय, दर्शन का जो अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु है वो हमने इसके पहले की कक्षा में पढ़ा हुआ था। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, दर्शन और शिक्षा में संबंध। ठीक है, ये दर्शन और शिक्षा कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है पहली लाइन, नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। पहले इतनी बात को आप समझिए, जो लिखा हुआ है नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है, और दूसरी बात है नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है। तो ये जो दो बातें लिखी हुई हैं एक ही लाइन में, इन दोनों बातों का अपने आप में बहुत डीप महत्व है, बहुत डीपली इसका महत्व है कि नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। कैसे देती है, देखो जब दर्शन का पहली बात, दर्शन का मतलब आपको याद होगा ज्ञान के प्रति प्रेम, और दर्शन का एक और अर्थ है देखना, और मैंने एक और बात बताई थी, दर्शन का एक और अर्थ है कि आपकी, आप जो देखते हैं आप वैसा ही सोचते हैं, आपके सोचना और आपके देखने का नज़रिया डिपेंड करता है साथ ही साथ आपके ज्ञान पर भी। तो जब आपने जो कुछ भी देख रखा होगा या जैसी इन्फॉर्मेशन या जैसा ज्ञान आपके पास होगा, आप उसी ज्ञान के अनुसार ही सोच पाएंगे। जब तक आपको नया ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, या आपके पहले जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान में जब तक कुछ नया नहीं जुड़ेगा, तब तक आपकी जो देखने का नज़रिया है, किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया है, किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ को सोचने का जो आपका, आपकी जो सोच है वो परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। इस बात को एग्जाम्पल से अगर हम डिस्क्राइब करें, डिस्कस कर आपको समझाने का प्रयास करें तो समझिए ज़रा। एग्जाम्पल बहुत आसान है, नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। मैंने दर्शन बताया ना, आपके सोच से रिलेटेड है, जो आप देखते हैं जो आप समझते हैं उससे रिलेटेड है, और नई शिक्षा यानी नया ज्ञान, जो नया ज्ञान आपको मिलता है उससे रिलेटेड है। तो आप ज़रा समझिए, नई शिक्षा यानी कि अभी से अपने कुछ 50-1 साल पीछे चलते हैं, लगभग 50 साल पहले हमारे भारत देश में कन्याओं को शिक्षा देने का प्रचलन नहीं था। हमारे भारत देश में प्रथा थी, हमारे भारत देश में ऐसी मान्यता थी, क्या मान्यता थी कि कन्याओं को शिक्षा देने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें तो मात्र घर संभालना होता है, तो उन्हें हमें इतना ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, इवन इतना ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन धीरे धीरे कई समाज सुधारकों ने हमारे देश के लोगों को, देश की जनता को जागरूक किया, लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, जितनी आवश्यकता एक बालक को शिक्षा की है उतनी ही आवश्यकता एक बालिका को भी है, अर्थात बालक एवं बालिकाओं दोनों को बराबर ज्ञान देने की आवश्यकता है, बराबर शिक्षा की आवश्यकता है। इससे हमारे समाज की उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब घर की कन्या भी पढ़ेगी तो जो पूरा परिवार है वो और खुशहाल होगा, साथ ही साथ कन्या पढ़ लिख कर परिवार की समृद्धि में भी सहायक होगी। ऐसे ज्ञान को हमारे समाज के समाज सुधारकों ने भारत पूरे देश की जनता के बीच में फैलाया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, लोगों का सोचने समझने का नज़रिया बदला। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी उन समाज सुधारकों ने सबके सामने प्रस्तुत किए, कई इसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए, जो कि उस काल में जो बहुत जो
जो समाज सुधारक हुआ करते थे उन्होंने लोगों को बाकायदा अपने जैसे जिस भी गांव क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में वो लोगों को इस बात को समझा रहे हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड यदि कोई कन्या पढ़ लिख कर कुछ उसने अच्छा कार्य किया है तो उसके बारे में बताते थे, उनको प्रेरित करते थे। ठीक है, हमारे प्राचीन वैदिक काल में जो प्रमुख विदुषी स्त्रियां हुआ करती थी उनका उदाहरण दिया जाता था, जिसके द्वारा एक नई चेतना जागृत हुई, लोगों में एक नया ज्ञान लोगों तक पहुंचा, लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, लोगों की सोच बदली, अर्थात लोगों का एक तरह से दर्शन बदला, देखने का नज़रिया बदला। क्या देखने का नज़रिया बदला? शिक्षा को देखने का। किसके लिए? कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो उनको जब देखने का नज़रिया बदला तो यहाँ पर ये बात सत्य हुई कि जो नई शिक्षा है यानी जो उन भारत के देश की जनता को जो नया ज्ञान या नई शिक्षा दी गई, नई बात बताई गई, उससे उनकी नया उनको नई सोच मिली, उनका नया दर्शन, उनको उनके देखने का नज़रिया बदला। ठीक है, जिससे कि कन्याओं की शिक्षा पर भी उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। अब जब कन्याओं की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया तो जब कुछ लोगों ने पहले मुट्ठी भर लोगों ने इस काम को शुरू किया, फिर उनको देखकर और लोग इसके लिए मोटिवेट हुए, फिर धीरे धीरे अब पिछले कुछ वर्षों में जनगणना के आधार पर भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में कन्याओं के शिक्षा का स्तर का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। अभी भी संतोषजनक स्थिति पर नहीं पहुँचा है लेकिन लगातार बढ़ रहा है, प्रगति की ओर है। इससे एक बात क्लियर होती है कि जो नई शिक्षा है वो नए दर्शन को जन्म देती है, यानी कि लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी सोच बदली, अर्थात नई शिक्षा ने नए दर्शन को जन्म दिया। अब जो नई बात यहाँ इसके आगे बात लिखी वो क्या है? जो नया दर्शन है वो नई शिक्षा को जन्म देता है। अब नया दर्शन अर्थात जो आपकी नई सोच है वो आपकी नई शिक्षा को जन्म देगी, नई बातों को सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगी। अब आपकी आपका सोच आपका नज़रिया बदला कि भाई हम कन्याओं को पढ़ाएंगे, ठीक है चलो ये आपका सोच बदला, आपने पढ़ा। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा हो जाता था कि क्या कन्याएं वो कार्य कर सकती हैं जो घर के बालक करते हैं। तो जब हमने उन्हें मौके देना शुरू किया, जब वो मौके मिले कन्याओं को और उन्होंने बालकों के बराबर और उनसे भी बेहतर करके हमें दिखाया, तो एक और चीज़ पता चली कि हाँ, कन्याओं को जब हमने समय दिया, हमने उनको मौके उपलब्ध कराए, जब हमने उनको संसाधन उपलब्ध कराए तो वे किसी भी जगह पर बालकों से कम नहीं आई। ठीक, तो यहाँ पर ये बात भी सिद्ध हुई कि जो उनकी जो हमारा या जो हमारे देश की जनता का जो नया दर्शन है, जो हमारी नई सोच है, उन्होंने उनके नए ज्ञान को भी जन्म दिया, नई शिक्षा को भी जन्म दिया और अब शिक्षा व्यवस्था को दोनों के लिए बिल्कुल बराबर माना जाने लगा, अर्थात बालकों के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी। साथ ही साथ हमने अपने कानूनी प्रावधानों को बदल दिया जिसमें कि 614 वर्ष की आयु तक भारत देश में जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में भी आई होगी। ठीक है, इसके बाद दो पॉइंट्स और हैं जो कि दर्शन और शिक्षा से संबंधित हैं। वो क्या है? दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, और दूसरा पॉइंट है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, अर्थात दर्शन किस प्रकार शिक्षा पर प्रभाव डालती है और शिक्षा किस प्रकार दर्शन पर प्रभाव डालता है। तो ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल में भी ये बात क्लियर हो रही थी जो कि यहाँ पर है। ठीक है, कि किस प्रकार दर्शन ने लोगों की शिक्षा पर प्रभाव डाला और किस प्रकार शिक्षा ने दर्शन पर प्रभाव डाला। ठीक बात है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। एक पॉइंट ये भी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका अर्थ समझिए आप कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। किसके निर्माण की? दर्शन के निर्माण की, अर्थात जब किसी का भी दर्शन, किसी का भी देखने का नज़रिया कब बदलता है, कब बढ़ता है? जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, जब उसे शिक्षा प्राप्त होती है। तभी तो कहा जाता है कि जो शिक्षा है वो क्या है? दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, यानी बेसिक है किसका? दर्शन का। कौन? शिक्षा। ठीक, आगे देखिए, शिक्षा क्या है? वो दर्शन को जीवित रखती है।
बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो वो उसका जो सोच है, उसकी जो देखने का नज़रिया है, जो उसका दर्शन है, वो दर्शन कैसा होगा? पिछड़ता चला जाएगा, पिछड़ता चला जाएगा, और समय से जब पीछे हो जाएगा तो हम उसे जीवित नहीं मानेंगे, व्यक्ति को नहीं, उसके दर्शन को जीवित नहीं मानेंगे। अगर आज के समय में आपके सामने आकर कोई कहे कि जो स्त्रियां हैं, यदि उनका उनके जो वर हैं उनकी अकाल मृत्यु हो जाए तो स्त्रियों को उनके साथ में सती हो जाना चाहिए, अगर आपसे आज के समय में आकर ये बात कोई कहे तो आप उसे क्या बोलोगे? क्या पागल इंसान हो गए हो आप? ये बात, ये प्रथा ना जाने कब समाप्त हो गई, क्योंकि लोगों में ज्ञान का संचार हुआ, लोग ये चीज़ सीख पाए, लोग ये समझे कि ये प्रथा सही नहीं है। जीने का अधिकार सबको है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु से किसी दूसरे को अपने आप को समाप्त कर देना कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। ये कभी प्रथा थी, सती प्रथा हमारे देश में थी, जिसे हमारे महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा इसे समाप्त किया गया। तो अगर उस बात को आपके सामने आज कोई रख दे और आपके सामने आज कोई इस तरह से बोले तो आप क्या कहोगे? आप क्या पागल हो गए हो? ये कैसी बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा है वो दर्शन को क्या करती है? जीवित रखती है। नित नए जो आपके प्रयोग हैं, जो आपका ज्ञान है, वो आपकी सोच और आपके दर्शन को जीवित रखता है, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा दर्शन को नई समस्या से परिचित कराती है। जब देखिए, दर्शन को नई समस्या, समस्या से मतलब यहाँ किसी प्रॉब्लम से नहीं है, मतलब समस्या से यहाँ मतलब है जो नए नए प्रावधान या जो नए परिवर्तन आ रहे होते हैं उनसे परिचित कौन कराता है? शिक्षा, ठीक है। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आप शिक्षित नहीं हो, तो आप ना तो उन नई समस्याओं के बारे में सोच सकते हो, ना उनके बारे में समझ सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। कैसे गतिशील रखती है? कि देखिए, शिक्षा जो है वो दर्शन की आधार निर्माण की आधारशिला भी है, उसे जीवित भी रखती है। और उसे गतिशील कैसे रखती है? कि जिस तरह समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, जो समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण हम कह सकते हैं जो शिक्षा है वो दर्शन को गतिशील रखती है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की कक्षा से दर्शन और शिक्षा के बीच में जो संबंध होता है वो डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।